हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज आस्क्ड इन गेट 2011 ऑफ 2 मार्क्स अ फील्ड वेन शियर टेस्ट। अब देखिए, वेन शियर टेस्ट होता है आपका, ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, अनकन्फाइनिंग कंप्रेशन टेस्ट होता है, सभी क्या है, डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट हुआ, ये भी शियर स्ट्रेंथ के टेस्ट हैं। तो ये बात करा है वेन शियर टेस्ट की। वेन शियर टेस्ट इंस्ट्रूमेंट शोन इन अलॉन्ग साइड, ये नीचे आपको इंस्ट्रूमेंट गिवन है, आपको जो ब्लेड है, ब्लेड की साइज गिवन है, ये टॉर्क है आपका, ये आपको हाइट इसको बोलते हैं आपकी एच गिवन है, और ये आपका डी गिवन है। वॉज इंसर्टेड कम्प्लीटली इन टू द डिपॉजिट ऑफ सॉइल, तो ये क्या है आपका कंडीशन, कम्प्लीटली इंसर्टेड इन द डिपॉजिट ऑफ सॉइल सॉफ्ट सैचुरेटेड सिल्टी क्ले विद द वेन रॉड वर्टिकल सच दैट द टॉप ऑफ द ब्लेड वॉज 500 mm, द टॉप ऑफ द ब्लेड वॉज 500 mm बिलो द ग्राउंड सरफेस, 500 mm बिलो द ग्राउंड सरफेस अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ रैपिड इंक्रीजिंग टॉर्क। आपने टॉर्क लगाते चले गए उस ब्लेड को, आप पंच करते चले गए ग्राउंड के अंदर तक, तो क्या देखा, रैपिड इंक्रीजिंग टॉर्क अबाउट द वेन रॉड, ये रोड है और इस पर आपने क्या लगा रखा है, टॉर्क लगा रखा है। सॉइल वॉज फाउंड टू बी फेल वैन द टॉर्क रीचेस 4.6 newton meter। सॉइल कब फेल हो जाएगी, जब आपका टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क कितना रीच हो जाएगा 4.6 newton meter, जब हो जाएगा तभी आपकी सॉइल फेल हो जाएगी। Assuming mobilization of undrained shear strength on all the failure surface to be uniform and the resistance mobilized on the surface of the vein road to be negligible, what would be the peak undrained shear strength? Shear strength आपको calculate करनी है round of the nearest integer value of kilopascal, तो round off करनी है और किसमें निकालनी है, kilopascal में। तो सबसे पहले बात करें कि जब इस vein को पूरी तरह से आप punch कर देंगे तो formula क्या होगा shear strength का, tau, या इसको बोलते हैं s equals to t upon में पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स। हियर टी इज द टॉर्क विच इज 4.6 newton meter, एच इज द हाइट ऑफ द वेन, वेन की जो हाइट है, जो ब्लेड है उस ब्लेड की हाइट है 100 mm है आपको गिवन, और डी जो है आपका डायमीटर है उस ब्लेड का, ये ब्लेड का आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया, ये ब्लेड है और इस ब्लेड का क्या है डायमीटर है, जो आपको क्या कर रही है सॉइल को कट कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये हो गया आपका, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेंथ का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, इस फॉर्मूले का यूज करना है, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, किलो पास्कल में निकालना है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और मीटर के अंदर वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वही है आपका शियर स्ट्रेंथ, एस इक्वल्स टू टी अपॉन में पाई डी स्क्वायर एच बाय टू प्लस डी बाय सिक्स, यहाँ से यही फॉर्मूला बना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करिए, टॉर्क की वैल्यू कितना था 4.6 आपने पुट कर दिया, और डी कितना था, डी जो डायमीटर था वो आपका 50 mm था, अगर उसका मीटर में कन्वर्ट किया था 0.05 meter हो गया आपका, डन। एंड अपन ने देखा हाइट जो थी 100 mm थी, उसको कन्वर्ट किया तो 0.1 meter हो गई आपकी, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो हाइट की जगह अपन ने हाइट पुट किया 0.1 divided by 2 और डी 0.05 divided by 6। हियर द सी यू विल कम एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसमें आ गया 10,045 newton per meter square, इसको कन्वर्ट करना है किलो पास्कल, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। तो यह क्या गया, डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 कर दिया, तो 3 जब पॉइंट लगेगा 10.045, तो नियरेस्ट डेसिमल आपको इंटीजर वैल्यू करनी है, तो कितना आपने मान लिया 10 kilopascal। तो ये था आपका क्वेश्चन, थैंक यू स्टूडेंट्स। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.